टाइम्स न्यूज की ओर से समस्त देश एवं प्रदेशवासियों को अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर में लगातार चोरी की वारदात बढ़ती जा रही है। फिर चोरों ने एरोड्रम थाना क्षेत्र में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है और सोने घर को निशाना बनाकर सोने चांदी के जेवर सहित नकदी लेकर फरार हो गए। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र के पलहर नगर का है। यहां के रहने वाले प्रदीप नामक फरियादी ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई कि वो अपने परिवार सहित घर पर ताला लगाकर शहर के बाहर गए थे। जब घर लौटे तो घर का मेन गेट का ताला टूटा हुआ पाया। जब अंदर प्रवेश कर देखा तो घर में रखी अलमारी का सामान अस्त व्यस्त था और उसमें रखे रुपए और सोने चांदी के जेवरात और नगदी रुपए भी गायब थे। चोरी की शंका होने पर वे तुरंत थाने पहुंचे और अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आसपास का सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। दरअसल ये प्रकरण थाना एरोड्रम क्षेत्र के पल्हर नगर का है, जहाँ के एक परिवार कुछ दिनों के लिए घर से बाहर गया हुआ था। जब घर से अभी बाहर से जब वो वापस आई तो उन्हें देखा कि उनके घर का मेन गेट का दरवाज़ा का लॉक टूटा हुआ था। अंदर जाकर के चेक करने पर घर की अलमारी का लॉक भी टूटा हुआ पाया गया। सामान चेक करने पर घर में रखे हुए सोने चांदी के जेवरात एवं 40,000 रुपये नकद चोरी उनके हो गए थे। किसी अज्ञात चोर के द्वारा यह घटना कारित की है। फरियादी प्रदीप के द्वारा इस संबंध में थाना एरोड्रम में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध 457-380 की कायमी की गई है। प्रकरण अभी अनुसंधान में है। अज्ञात चोरों के बारे में सीसीटीवी फुटेज इत्यादि भी कलेक्ट किए जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जल्दी ही इसमें कुछ ठोस लाइन मिलेगी। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।